हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का अप्रैल का असाइनमेंट नंबर 3 है आपका पास, है ना। और कक्षा है 10वीं, विषय है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का देखने वाले हैं कि आपको क्या क्या प्रश्न दिया गया था और उसके उत्तर कैसे लिखने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके पास कौन सा प्रश्न है, प्रश्न है आपके पास आंकड़ों की परिभाषा दीजिए, प्राथमिक आंकड़े कैसे संकलित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपको उत्तर यहाँ से लिखना है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े, फिर उसके बाद दिया हुआ है प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान, फिर दूसरा पॉइंट है आपके पास अप्रत्यक्ष अनुसंधान, तीसरा है संवाददाता द्वारा, ठीक है। तो ये आप इसको लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके परीक्षा से संबंधित और आपके असाइनमेंट से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिलते रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना होगा, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपडेट करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ओके। और ये चौथा पॉइंट होगा आपका यहाँ डाक प्रश्नावली द्वारा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको और भी बाकी सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट के वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे विषय के असाइनमेंट के लिंक दिए गए हैं, तो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, आपको वहाँ सारे असाइनमेंट के आंसर दिख जाएंगे। देखिए, दिया हुआ है दूसरा प्रश्न है आपके पास नीचे दिए गए आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना करना। तो ये आंकड़े दिए गए हैं और इसका समांतर माध्य निकालना है, तो इसका 35 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किन्हीं दो योजनाओं का वर्णन करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन की समावेशी शिक्षा, इसे लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और आगे ये एक पैराग्राफ और है, फिर उसके बाद आता है इसका उद्देश्य, उसको लिखना है आपको। फिर उसके बाद साक्षर भारत, इसे आपको यहाँ से लिखना है पूरा। ये आपका तीसरे प्रश्न का भी उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारे असाइनमेंट के आंसर के PDF मिल जाएंगे, ठीक है। जिसका टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्टडी सर्कल 24 के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके पास, प्रश्न नंबर चौथा है वायु प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। वायु प्रदूषण के किन्हीं 3 प्रमुख स्रोतों के नाम दीजिए और इसके हानिकारक प्रभाव क्या है उसे भी आपको बताना है। तो यहाँ से आप इसके आंसर लिख लीजिए, ठीक है। और इसके आगे का भी है, पहला पॉइंट बनता है आपके पास घरेलू औद्योगिक और वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उसके प्रभाव आपको लिखने हैं। फिर है फैक्ट्रियों की चिमनी और पावर प्लांटों से निकलते धुएँ का भाग, ठीक है, निकलते हुए धुएं का भाग और इसका प्रभाव। फिर है परमाणु षड्यंत्र। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप भी जान रहे हैं कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ घर पर रहिए और बाहर बहुत ही ज़रूरी हो तभी आप निकलिए, और साथ ही आप मास्क पहने और जब भी आप बाहर निकलें तो हैंड सैनिटाइज़र लेकर निकलें, ठीक है। और कभी भी आप मार्केट वगैरह जाएँ तो लगभग 2 से 3 गज की दूरी बनाएं, ठीक है। और अपना विशेष ख्याल रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ से इसके आंसर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, फिर यहाँ दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट आपके पास, और इसके आगे का भी है, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।